श्रीमद् भगवद गीता पर हम लोगों ने अब तक जो 168 चर्चाएं की हैं उसमें हम लोगों ने देखा कि श्रीमद् भगवद गीता का जो संदेश है वह आधुनिक मानव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे दैनंदिन जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए, दैनंदिन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एवं अमरत्व प्राप्त करने के लिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए, शाश्वत सुख एवं शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का जो संदेश है आज भी कितना महत्वपूर्ण है। और जिन समस्याओं से आज हम पीड़ित हैं इन्हीं सब समस्याओं का समाधान हमें भगवद गीता में मिलता है। और इसीलिए आज भी इस पुस्तक पर कितने भाष्य कितनी टीकाएं लिखी जा रही हैं, कितने प्रकार की पुस्तकें इस पर प्रकाशित हो रही है और इसकी हमने विस्तृत चर्चा की थी। और भगवद गीता के प्रारंभ में जो ध्यान संबंधी श्लोक हैं और जो मार्ग संबंधी श्लोक हैं इनके अर्थ को जानने का प्रयत्न किया था, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि इन श्लोकों की आवृत्ति करने से हमारे मन में श्रीमद् भगवद गीता के संदेश के प्रति श्रद्धा का उदय होगा और जितनी मात्रा में हमारे मन में श्रीमद् भगवद गीता के संदेश के प्रति भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा का उदय होगा उतनी मात्रा में हम उस संदेश को अधिक अच्छी तरह हृदयगत कर सकेंगे एवं उसका पालन करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। इसीलिए इन श्लोकों की आवृत्ति हम प्रारंभ में कर लेते हैं और आत्म संबंधी श्लोकों के बाद हम लोगों ने विभिन्न रूप से देखने का प्रयत्न किया था। यह जो भगवद गीता का संदेश है वो व्यावहारिक है। किसी ने कहा था कि भाई यह जो धर्म योगी बात कहते हैं आप अध्यात्म क्या बात करते हैं या गीता की बातें करते हैं तो क्या प्रैक्टिकल है, क्या व्यावहारिक है? और तब उनको यही कहा गया आप उस व्यक्तिगत किसको बोलेंगे, व्यावहारिक किसको बोलेंगे? व्यावहारिक तो वही है जो हमको मुनाफा देता है, प्रॉफिट देता है, फायदा देता है। तो जो पुस्तक दो बार मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसी वस्तु है जो बाजार में बहुत बिकती है, तो वह कहने का मतलब यह नहीं है कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है। या फिर ये कहना पड़ेगा कि वह प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है, प्रैक्टिकली यूजफुल है, इसीलिए तो यह उसकी मांग इतनी अधिक है। तो फिर यदि कोई पुस्तक वह नहीं पुनः प्रकाशित होती है, उसके दो संस्करण निकलते हैं, 30 संस्करण निकलते हैं, तो हम यही कहेंगे वह पुस्तक प्रैक्टिकल है, वह उपयोगी है मानव जाति के लिए। कभी तो उसके 2 या 3 संस्करण हुए हैं। पर भगवद गीता ऐसी पुस्तक है जिसके हजारों संस्करण निकले, पिछले 5000 सालों में लाखों प्रतियां उसकी देश विदेश में गई और आज भी इसके बारे में चर्चा हो रही है, इसके ऊपर कितनी सारी पुस्तकें लिखी जा रही है, विभिन्न दृष्टिकोण से इस पर पुस्तकें लिखी जा रही है। यही उस बात का प्रमाण है कि उसका जो संदेश है कितना व्यावहारिक है, कितना प्रैक्टिकली यूजफुल है, नहीं तो आज इस पुस्तक की इतनी मांग नहीं रहती। यही उसका प्रमाण है। और कितने प्रकार के विभिन्न दृष्टिकोण से पुस्तकें लिख रहे हैं ये भी हमने कहा था। यहां तक कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी गीता एंड मैनेजमेंट के ऊपर कितने लोग रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें निकल रही हैं। और वो कहते हैं कि मैनेजमेंट तो जैसे किसी इंडस्ट्री में मैनेजमेंट होगा, तो अभी तक तो 4000 के मैनेजमेंट की बातें होती थी, मैनेजमेंट ऑफ मनी मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ मैन पर्सनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ मशीन प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल और साथ साथ में मैनेजमेंट ऑफ मटीरियल मैनेजमेंट। पर अब ये लोग सोचते हैं कि चारों का मैनेजमेंट अच्छी तरह करने के बावजूद भी
सब कुछ काउंट करने के बावजूद भी कुछ रह जाता है, जिसके कारण आज हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, हमें सफलता नहीं मिल रही है, हमें संतोष नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में हमको खालीपन का अनुभव हो रहा है। और वो है मैनेजमेंट ऑफ माइंड, मन में शांति नहीं है। जब हम मैनेजमेंट ऑफ माइंड कहते हैं तब तो हम दूसरे मनुष्य की बात कर रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना, कि उनका किस प्रकार से हम उसको कैसे इम्प्लॉयमेंट दें, कैसे रिक्रूट करें, ये सब पर्सनल मैनेजमेंट। पर मन का मैनेजमेंट जो सबसे अधिक अभी हो गया है, कितने कंपनियों में अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट की कितने प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं, क्यों? क्योंकि पैसा तो आ रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ गई और उसके कारण तनाव बढ़ गए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का शिकार हो गया है आधुनिक मानव। अभी आधुनिक मानव के सामने सबसे बड़ी समस्या मन में शांति नहीं है, मन में टेंशन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी समस्या है, कॉन्सेंट्रेशन अधिकांश विद्यार्थियों की यही समस्या है। अभी कल ही मैं कल रात को मैं लौटा बरेली से, तो परसों बरेली में बहुत बड़ी इवेंट थी, उसका नाम उन्होंने लक्ष्य रखा था। तो जितने विद्यार्थियों अभी तक वो लोग केवल कल्चरल फीस करते थे, अभी उन्होंने एकेडमिक फीस किए, तो उसने जाने का हुआ, तो उसने सबसे अधिक जो सबसे बड़ी समस्या आज के विद्यार्थियों के समक्ष है वह कॉन्सेंट्रेशन, मन की एकाग्रता। ये मैनेजमेंट ऑफ माइंड सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसकी विस्तृत चर्चा हमें भगवदगीता में मिलती है। विशेष प्रकार से अभी जब हम छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, यह तो मानव मैनेजमेंट ऑफ माइंड के लिए श्रेष्ठ अध्याय है। मानव इसी के बारे में हम लोगों ने पहले ही कहा, किस प्रकार से जब मन की बात होती है तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता है। अधिकांश जितने साधारण लोग हैं उनकी यही समस्या होती है कि हम ध्यान करके बैठते हैं पर मन इधर उधर भटकता है, और अधिकांश विद्यार्थियों की यही समस्या है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, कहीं याद नहीं रहता है। यह सब लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, मन की एकाग्रता, और यह आज की समस्या नहीं है। आज से 5000 वर्ष पूर्व हम जिसको कह समझते थे, जिसके मन की बड़ी एकाग्रता है, अति जैसा अर्जुन बाण दी, ऐसा बाण बोलने वाला कि मछली की आंख देख करके मछली को तीर लगा दे, उससे भी क्या इसके कौन सक्षम हो सकता है। ऐसा कुशल बाण चलाने वाला, ऐसा अर्जुन क्या बोलता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब बात कही ध्यान रूप की, सब बात नहीं किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए, किस प्रकार से बैठना चाहिए, ये सब जब बताया तब अर्जुन ने पहला प्रश्न तो यही किया, ये सब आपने जो बताया वो सब तो मैंने सुन लिया, पर हम सब के प्रतिनिधि के रूप में वो अर्जुन प्रतिनिधि है, हम जीवों का प्रतिनिधि है। ये जो बहुत ही सुंदर उपमा के द्वारा भगवदगीता के महात्मा ने कहा गया, सर्वपरिषद गाओ दुर्गा गोपाल नंदना, ये जो गाय हैं, ये गाय कौन है? उपनिषद रूपी गाय, ये गाय है उपनिषद, और दोहने वाला कौन है? सर्वोपनिषदों का वो दोगा गोपाल नंदन, गोपाल नंदन जो है उसका काम ही वो द्वारा थे, वो केवल ब्रज के द्वारा नहीं थे, वृंदावन के द्वारा नहीं थे, साधारण गाय नहीं चलाते थे, उपनिषद रूपी गाय का दोहन करते हैं। सर्वोपनिषदों गावो, गावो होने गाय, दोगा गोपाल नंदना, ये गोपाल नंदन ये दोहने वाले हैं, पार्थो वत्सम सुधीर भोगता, पर गाय ऐसे तो दूध देती नहीं, गाय ऐसे दूध देती नहीं, बछड़ा आपको पालना पड़ रहा है। एक्चुअली वो दूध तो बछड़े के लिए, हम लोग मनुष्य लोग जो है उसका दूध ले लेते हैं, इसीलिए गांधी ने कहा था मैं गाय का दूध पी दूंगा, तो चोरी का माल है, गाय बछड़े के लिए और हमको हम लोग पी लेते हैं, वो बछड़ा जब सामने होता है तब गाय का दूध जो आ जाएगा, ऐसे गाय दूध नहीं देती, बच्चे को देकर के दूध देती है बच्चे के लिए और हम लोग उसको ले लेते हैं। तो गांधी जी ने कहा मैं नहीं लेती, पर जो भी हो बाद में डॉक्टर लोगों ने कहा बकरी का दूध लेना ही पड़ा, वो भी वैसे ही है, जो भी दूध है वो बच्चे के लिए है, माँ का दूध बच्चे के लिए है जो भी होगा, पर वो बछड़ा जो है उसको देख करके गाय दूध देती है। तो उपनिषद भी गाय का जब दोहन करते हैं, श्री कृष्ण भगवान स्वयं दोहने वाले, एक कुशल बहुत अच्छे दोहने वाले, और सामने पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, ये जो पार्थ
वह जो बछड़ा है वो पीने वाले कौन है? हम लोग सब पाप को वत्स भी भोगता, हम लोग सब भोगता है, हम लोग सब पीने वाले हैं। जो भी गीता का पाठ करता है, गीता का अध्ययन करते हैं, ये सब हम लोग वो दुग्धम गीता अमृतम भगत, जो भगवान विष्णु की गाय को दूर करके जो अमृत रूपी दूध का गीता के अमृत रूपी दूध को निकाला है वह हम सब पीने वाले हैं। इसीलिए हम लोग धन्य है कि यह जो दूध है इसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं। श्री कृष्ण भगवान से हम धोने वाले ऐसा बिना मिलावट वाला दूध दुर्धव गीता मृतमत सुधीर भोगता, हम लोग सभी जो भोग रहे हैं वो सब हम लोग बड़े धन्य हैं, हम ये कह रहे हैं। तो यह मानो अर्जुन जो है वह अर्जुन की बछड़ा है, उसको देख करके भगवान दूध देते। उसी प्रकार से यह अर्जुन जो है जीवों का प्रतिनिधि है, अर्जुन को केंद्र करके भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सारी मानव जाति को संदेश दिया। और ये सारी मानव जाति के जितने प्रश्न हैं, अर्जुन हम सबके प्रतिनिधि रूप में प्रश्न पूछता है। तो आगामी मानव की समस्याएं हम देखते हैं। अद्भुत बात, अर्जुन वही सब प्रश्न पूछता है जो हमारे सामने उठता है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार के ध्यान के बारे में बताया, किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और किस प्रकार से बैठना चाहिए। तो अर्जुन ने यही कहा जैसे हम लोग कहते हैं, हाँ भगवान ने तो सब सुन लिया, बहुत अच्छा, पर फायदे को फायदा क्या होगा ये पहले बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने फायदा बताया कि अरे ऐसा फायदा होगा कि इससे ज्यादा फायदा हो ही नहीं सकता। मन ने दिन आदि कम कदम, इतना लाभ होगा इससे बड़ा लाभ दुनिया में नहीं हो सकता है, जिसको मिलने के बाद और कुछ मिलना शेष नहीं रह सकता। फिर और कुछ मिलना चाहिए, कुछ भी बात होगी केवल भी आइटम आएगी हमारे पास, हमारे पास कुछ तो कुछ और आइटम चाहने की भी बात भी होगी। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह जो ज्ञान मिल जाएगा, यह जो आनंद मिल जाएगा, उसके बाद और कुछ चाहने को मिलेगा। और इसको प्राप्त करने के बाद बड़ी से बड़ी विपत्ति आएगी तेरे जीवन में, उससे तू विचलित नहीं होगा, उससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है दुनिया में। गुरुनाथ ने विचार लेते इतना बड़ा लाभ होगा कि उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ा से बड़ा दुख तो तुझे विचलित नहीं कर सकेगा। और तब अर्जुन कहता तो ठीक है फायदा होगा, परंतु किससे परंतु लगाया, परंतु मेरा आनंद तो बड़ा है। कौन कहता है? अर्जुन। जो मछली की आंख को बिना देखे परछाई देख करके तीर लगा सकता है ऐसा अर्जुन क्या होता है? चंचलम ही मन कृष्ण परमात्म बलव दृढ़ तस्या निग्रह मनिए वायु रिवस दुष्करम। हे प्रभु मेरा मन तो परंतु, वो सब ठीक है आपने कहा मुझे फायदा भी होगा ये भी मैं समझ गया, परंतु मेरा मन तो इतना चंचल है कि मैं समझता हूं कि वायु को मुट्ठी में रखना जितना नियंत्रण करना जितना कठिन है, उससे अधिक कठिन मैं समझता हूं इस मन को नियंत्रित करना। और भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, वो ऐसा नहीं कहते बुरा नहीं कहते, क्या अभी बुरा क्या बेवकूफ जैसी बात करता है, मेरा मन चंचल है ऐसा है ऐसा है एकाग्र क्या बेवकूफ बात करता है, क्या करें कायम समान बात करता है, नहीं वो बहुत सुनते हैं। और सबसे पहले बोलते हैं, ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होता है किसी पेशेंट का, पहले उसको पेशेंट वेरी गेट दे दिया जाए, आधा तो आपको वहीं सॉल्व हो जाए पेशेंट, यही सबसे ज्यादा जो साइकोलॉजिस्ट लोग हैं तो यही कर पहले सुन लेते। सुनने के बाद बोलते तुम बिल्कुल सच कह रहे, बस 75% प्रॉब्लम सॉल्व कर पेशेंट को सुन गया, ये मेरी बात को कुछ समझ पा रहा है, ये पहली बात उसको पता। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं जब कहा अर्जुन ने चंचले में मना कृष्ण परमाति बलव विणम तस्याम विक्रम बने वायु श्री दुष्क्रम। तो भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं? असंशय महाबाहु मनोदुर्निग्रह चलम, मनोदुर्निग्रह चलम, हे अर्जुन तेरी बात बिल्कुल सच है, इस बात में कोई संशय नहीं, इस मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन। अर्जुन ठीक है ये मैं समझ रहा था, परंतु श्री कृष्ण भगवान परंतु बोलते हैं, परंतु
अभ्यास इसको कौन थे यह वैराग्य भेज अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह सबों कार्य संभव हो सकता है। इसकी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी। अभ्यास क्या होता है, बारम्बार अभ्यास करना, श्री कृष्ण का उदाहरण ने दिया था किस प्रकार से सर्कस में जाकर के देखते हैं, कहते वो मेरे साहब घोड़ा कर रहा है कूद करके चली जाती है, घोड़ा जमीन में से ऐसा पिछले आ जाती है, कितना अभ्यास हमने किया होगा। नहीं तो पहली बार तो जब बैठने की घोड़े पर कभी घोड़े ने उसको पछाड़ दिया, कितनी बार लगा होगा, पर धीरे धीरे करके अब आज ऐसी स्थिति किस प्रकार से एक पैर पे खड़ी रहकर घोड़ा दौड़ रहा है और एक पैर पे खड़ी है और उछल करके फिर से चली जाती है, इतना जो असर होता आज है वो कर सकती है। क्यों, अभ्यास एक दिन भी नहीं हुआ, धीरे 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 अभ्यास करते 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 यह अभ्यास के द्वारा। और दूसरा था वैराग्य, वैराग्य और अभ्यास दोनों एक दूसरे के परिपूर्व ही, इसकी भी विस्तार से चर्चा की कि केवल एक के द्वारा नहीं होगा। हम कितनी भी पकवान चलाएंगे, कोई भी लंगर नहीं खोलाएंगे तो नाव चलेगी। और अभ्यास है और पकवान चलाना, पर पहले लंगर खोलना पड़ेगा नहीं तो नाव नहीं चलेगी। उसका उदाहरण ने बहुत उदाहरण भी दिया था चौबे जी का, यमुना के किनारे किस प्रकार से नाव में बहुत बैठ जा करके बहुत नाव खेलते सारी रात पकवान चलाते हैं पूर्णिमा की रात को। दूसरे दिन देखा नाव जहां की तहां है, क्यों, लंगर उठाना भूल गए। तो ये वैराग्य है आसक्ति की लंगर को उठाना, वैराग्य मतलब वीतराग, आसक्ति की लंगर को यदि नहीं उठाएंगे तो केवल अभ्यास के द्वारा नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के कड़ी पूर्वक है, इसकी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। तो यह वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, तो हमने कहा इसके लिए हमको विचार करना पड़ेगा। विचार से विचार को विचार चिंतन करने से विचार करने से हमें वह मानव वैराग्य की प्राप्ति होगी। तो उससे पहले विवेक बुद्धि आएगी, तो विवेक बुद्धि कैसे आएगी, विवेक से वैराग्य आएगी। तो विवेक बुद्धि कैसे होगी, जब हम चिंतन करेंगे कि क्या सच है क्या बुरा है क्या परमानेंट है क्या टेम्परेरी है, या उस प्रकार से और जो परिणाम जो होने वाला है उसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। ताप संस्कार परिणाम ये चारों मेथड जो है, चारों प्रकार की प्रक्रिया जिसके द्वारा हमें वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है, इसकी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी कि हमें कृष्ण किसी प्रकार का दुख रहता ही है। वो दुख क्यों रहता है, क्योंकि हमारी आसक्ति है और उस आसक्ति के कारण वो दुख रह जाता है। तो यह आसक्ति की लगन तब उठता है जब हम परिणाम पर चिंतन करते हैं, इसका परिणाम क्या होगा, जो आसक्ति हमारे आज बनती हुई है। हम ये कहते हैं कि इस आसक्ति को छोड़ नहीं पाते, क्यों नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हम भूल गए हैं कि एक बार हमें छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी बात बोलते हैं, नन इज देयर बट टू बी कंपेल्ड इन द लॉ टू गिव अप एवरीथिंग। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं, कई लोग बोलते नहीं हमको त्याग, हमको त्याग नहीं करेंगे, हम तो भोग भोगना है खाएगी मजा करेंगे, ये त्यागियों की पार्टी में हम नहीं है, ये तुम लोग करो त्याग, हमको त्याग नहीं करना। पर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो त्याग नहीं करेगा, और कैसा त्याग, संपूर्ण त्याग, संपूर्ण त्याग, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वो साथ में लेकर जाएगा, संपूर्ण त्याग करेगा। नन इज देयर बट विल बी कंपेल्ड इन द लॉन्ग रन टू गिव अप एवरीथिंग। ऐसा कोई भी मनुष्य पृथ्वी पर नहीं है जो संपूर्ण त्याग न करता हो, कब करता है निश्चित समय करता है, जितनी प्रॉपर्टी सब छोड़ के जाता है, जितनी प्रॉपर्टी कुछ भी साथ में ले जाता है, चाहे जितना भी उसके ऊपर आसक्ति हो, प्रॉपर्टी को साथ में ले जाता है, मकान को साथ में ले जा सकता, लेटेस्ट मॉडल की कार को ले जा सकता, मोबाइल तो हमेशा उसके पॉकेट में रहता था, वो मोबाइल के साथ में ले जा सकता है, मोबाइल के साथ में ले जा सकता है, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं, ड्रेस भी नहीं, लेटेस्ट मॉडल का ड्रेस भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, कुछ भी साथ में ले जाता। और ये जो देह है, इस देह को भी ले, देह यहीं पड़ी रहती है और थोड़े समय के बाद या तो उसको जला देते या उसको गाड़ देते, उसकी अंतिम क्रिया का विधि अलग हो सकता है पर अंतिम क्रिया उसकी हो जाए, पर यह देह भी साथ में ले जाए, कुछ भी नहीं ले जा सकता। यह एक परम सत्य है, इस परम सत्य को कोई नकार नहीं सकता,
ये थ्योरी नहीं है, कोई हम थ्योरी में नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म नहीं मानते, कोई बात नहीं, पर मृत्यु है अपनी नजर के सामने देख रहे हो। पर बात यह है कि बड़े आश्चर्य की बात है, युधिष्ठिर को यही पूछा गया, पांडव लोग जा रहे थे वनवास के समय, प्यास लगी तो युधिष्ठिर ने कहा देखो कई पांडव ने एक रोटी ने पेट पर जाकर दिखा, पेट पर चढ़ा नजदीक में कुछ काला है, मैं पानी लेके आता हूं, गया हो गया वापस आए नहीं, बोले इतनी देर है, कितनी देर होगी, प्यास हो गई, भीम इतना पानी पी रहा है, पूरी तरह प्यारे पीने लग गया होगा तो कितना पानी पी जाएगा, आ ही नहीं रहा वापस, देखो नकुल को भेजा, नकुल भी वापस नहीं आया, सहदेव को भेजा वो भी वापस नहीं आया, अर्जुन को भेजा वो भी वापस नहीं आया, तभी भी सुख पूछ जाएगा, जाके देखते चारों में पड़े हुए मरे गलत नहीं है। और युधिष्ठिर जैसे पानी लेने गए यक्ष ने वहीं पर काम खबरदार जो पानी में हार जाएगा, देख रहा है चार भाई की अवस्था, ये ऐसी अवस्था देरी होगी, उनको मैंने कहा था मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बाद में पानी पियो, नहीं माने ये चार करो, तुम्हारे कैसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। और बहुत सारे प्रश्न पूछता है यक्ष, सभी को उत्तर युधिष्ठिर देते हैं, उसने कहा कुछ नहीं है कि आश्चर्य, सबसे बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु कौन सी है इस दुनिया में, और हम लोग तो होते थे सुरंग बोलते थे सेवन वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, सात सात आश्चर्य उसके ताजमहल ये भी आ गया है, ये भी हम बता देते, पर युधिष्ठिर जानते थे, युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, मनुष्य अपनी नजर के सामने प्रतिदिन देखता है युद्ध को, अब प्रतिदिन कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई मर रहा है, कभी कभी तो खुद स्वशान रखा नहीं जाता है, कभी खुद के घर में भी कोई मरता है, कभी और टीवी में तो कितने लोगों को मरते देखता है, आजकल तो टीवी आ गया, उस समय टीवी नहीं था, टीवी के पर्दे पर अपने घर में बैठे बैठे कितने लोगों को मरते देखता है, रास्ते में मरते देखता है, खबर पाता है ईमेल के द्वारा मोबाइल के द्वारा कितने लोग मरते, प्रतिदिन कितने ऐसे बताते हैं हमारे घर, कितने ऐसे ना जाइए पला मर गया उससे मर गया इसकी प्रार्थना से मैं उसकी बता, कितने प्रकार के मैसेजेस, इतना सब होने के बावजूद कितने सारे कि अपने नजर के सामने कितने लोगों को मरते देखता है, यहां तक कि कभी स्मशान घाट में भी जाता है, और फिर भी प्रत्येक मनुष्य यही सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, अब इससे बड़ा आश्चर्य क्या होता है, जितने लोग प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग ये भी मान के करते हैं कि हम कभी मरने वाले नहीं, यदि हमको ये पता लग जाए, पता तो है परंतु ये इसको यदि हम याद कर लें कि हाँ हम मरने वाले तो सभी प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाए, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई समस्या नहीं, यदि एक ही बात याद रह जाए, एक आदमी गया है सत्य के पास, बहुत टेंशन में और इतना गुस्सा आता है, तो क्रोध में फिर कुछ न कुछ हो जाता है, ये क्रोध को कैसे नियंत्रण करो समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन को कैसे नियंत्रण करो समझ में नहीं आ रहा है, और उसके कारण मेरा इतना सब बिजनेस भी चौक आउट हो रहा है, बिजनेस में भी वो सब लोग मेरे से नाराज, घर में भी सब लोग नाराज है, मेरा ये स्वभाव ही ऐसा हो गया है, चिड़चिड़ा पर आ गया है और गुस्सा हो जाता है, बाकी के लोगों को बहुत पछतावा होता है, बस क्रोध आ जाता है और प्रकार से टेंशन होता है, तो कुछ उपाय बताइए, उसने कहा कि उपाय तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे है, मैं तुमको अवश्य बताता, किंतु किंतु मैंने क्या किंतु फिर आगे बोलते हैं किंतु मैं क्या बोलो बोलू किंतु क्या किंतु मैं देख रहा हूं कि साल की जो तुम मरने वाले हो ऐसा तुम बता के फायदा क्या है, साल दिन में मरने वाले हो क्या बोलते हैं, हाँ बस यही है साल दिन, उसको सच पर बड़ी श्रद्धा की थी, तंत्र को तो पहुंचे हुए हैं, अब वो तो गया अपना तुरंत, अभी तक वो झगड़े चलते थे सब निपटा दिया कोर्ट में, भाई कोर्ट में से वापस ले लिया, यही फलाना टीका रहा, अब क्या कर मानना ही है शासन के पास खाया कोई झगड़ा कर वो खत्म कर दिया, इधर से जाकर तो बिल बना दिया मेरे पास क्या होगा, भाई लोग तो अभी तक अपनी छाली अपने पास ही रखा रहे, लड़के लोग कहते थे कब छोड़ेंगे कब छोड़ेंगे, और उनको बना दिया डायरेक्टर मैनेजर बना ये कर दिया वो कर दिया, सब लड़के फूस बहु फूस सब फूस जो अपना पढ़ा भाई वो डायमंड रखा था अपने फील्ड पर निकाल के दे दिया बहु को, अरे तो मैं तो मरने वाले कहा हुई साथ में ले जाने वाला हूँ, तो वो भी दे दिया सब खुश, जितने लोग सभी लोग एकदम
प्रसन्नता पहले पूरी पूरी सेठ जी का कोई परिवर्तन हो गया, सेठ जी का परिवर्तन है, सेठ जी ऐसे सेठ जी उदाहरण में कभी देखा ही नहीं। जितने लोग गाड़ी में सब उसकी प्रसन्नता कर रहे हैं, ये सब हो गया। साथ में भी जा करके सो गया, बोले संत जी को बुलाइए, उनका आश्रम लेकर के मैं मरू। संत जी आया, अभी क्या पढ़ा हुआ है? मेरे साथ ही है, अभी तो मेरा मरने का समय आ गया, बस आशीर्वाद दीजिए। अच्छी करना किसने कहा तुम मरने वाले? आप ही कहा था। अरे तो ये पहले बता कि चार दिन में कितनी बार गुस्सा करे, गुस्सा करने का समय क्या है? रात में निपटा था मेरे को तो काम, तो किसी को गुस्सा नहीं किया, नहीं किसी को मैंने भी गुस्सा नहीं, कोई मेरे को भी गुस्सा नहीं हुआ। इतना जीवन रिलेशन इतना अच्छा हो गया, रिलेशन की कितनी मैनेजमेंट की किताब पढ़ लगे, कुछ नहीं हुआ था। पर ये आया एकदम सात दिन में एकदम रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, सब के साथ सपन अच्छे हो गए, सब हो गया, अभी कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, ये नहीं होता। बोली यही है रास्ता, मरने वाला तो नहीं है, पर मैं भी बोलता सबको नहीं मानता, अभी समझ गया। बोले अभी हमेशा रोज प्रतिदिन जो उठना, तो यही संकल्प करना करना, यही सोचना, आज मेरा पृथ्वी पर अंतिम दिन, बस और कुछ नहीं करना। तो सब पूरा मैनेजमेंट हो जाएगा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज अंतिम दिन है, अब क्या है झगड़ा करना भाई? अंतिम हो सकता है कि नहीं, क्रिटिकल नहीं। अच्छा, जो लोग 26 जनवरी को 2001 को 9:30 बजे जो सोचे थे कि हम आधे घंटे बाद 12 बजे खाना खाएंगे, अच्छे अच्छा खाना बना रहे थे, गए कि नहीं? 2 मिनट के भीतर में सब चले गए, 1000 लोग गए। गुजरात गवर्नमेंट के सिटीज के अंदर 17,000 लोग गए, अनऑफिशियल रिकॉर्ड है, पता नहीं कितने गए, पर मरे के नहीं। ये लोग क्या दो मिनट पहले जानते थे क्या मरेंगे? कितने लोग हैं हमारे वकील साहब, बहुत अच्छे वकील साहब, इन्होंने शुरू किया था ये रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर जो बड़ौदा में शुरू किया उन्होंने 1970 में। बाद में चली गई शुरुआत धीरे धीरे करके, बाद में भी ऑफिशियल सेंटर हुआ, पर प्राइवेट सेंटर उन्होंने खोला था। स्वयं गए थे पहले वहां बड़ौदा, वहां राजकोट में गए थे, जाकर के हमारे प्रेजिडेंट प्रेसिडेंट महाराज आत्मसैन जी महाराज उस समय अध्यक्ष थे राजकोट के, उनको जाकर के बोला भाई राजकोट छोटा शहर है, हमारा बड़ौदा कितना बड़ा शहर है, यहां क्यों आश्रय नहीं होगा, आप उधर समय बैठे थे। बोले बात यह है कि ये लोग 1927 में जगह थे, तुम लोग आज जगह हो 1970 में, इतना ही फर्क है। वो लोग 1927 में बहुत ईजी था आश्रम बनाना, जाकर के एक पत्र भेजा, स्वामी माधव जब आए थे उन लोगों को बताया, वो उस समय एक और इंडस्ट्री थे और उस समय बहुत ईजी कर दो, स्वामी जी बता भेज दिया सेंटर शुरू। 1927 में उन्होंने डिमांड की, अभी तो बहुत इतनी डिमांड बढ़ गई, 1000 गुना डिमांड बढ़ गई, और सप्लाई बढ़ी 10 गुना और डिमांड बढ़ी है 1000 गुना। तो इसलिए अभी तक इतने क्षेत्र बड़ा मुश्किल है, पर तुम ऐसा करो प्राइवेट सेक्टर शुरू करो, हम लोग वहां पर विकसित जाएंगे। फिर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर शुरू किया। अभी 2 साल पहले सुबह चाय पी रहे थे, चाय पी करके कपड़ा था, और इधर पत्नी बाद में जब गेल लेने गई चाय का तो वापस लेने 5 मिनट के भीतर देखा कोई कुर्सी पर बैठे बैठे सुबह 7:30 बजे अभी हो खत्म। किसका कब इसकी मृत्यु होगी पूछ चीज नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा 8 दिन पाचे गए अभी सिया गए अब बचता हो क्या, जब चिड़िया चुग गई थे और बहुत गई थोड़ी गई थोड़ी भी अब जाए नारायण अभिषेक ऐसी नारायण अभिषेक ये बात बोलते हैं तुलसीदास जी। बहुत गई थोड़ी गई थोड़ी भी अब जाए तो कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी गई कब किसकी मृत्यु होगी कब किसको पता नहीं है, एनी टाइम ये हो सकता है। और इसीलिए कहते हैं हमेशा भगवान का नाम लिया करो। तो यह कब किसी मृत्यु होगी सचमुच में सबसे अधिक कोई निश्चित वस्तु है संसार में तो है मृत्यु, और सबसे अधिश्चित वस्तु है मृत्यु का समय। कब किसको आएगी मृत्यु कभी कुछ नहीं कह सकते, कैसे आएगी ये भी नहीं कह सकते, पर हां आएगी अवश्य, एक दिन अवश्य आएगी, और ये सबसे ज्यादा निश्चित वस्तु है। तो युधिष्ठिर ने कहा सबसे आश्चर्यजनक वस्तु ये है, मनुष्य प्रतिदिन देख रहा है अपनी नजर के सामने कि यम के द्वार में सब जा रहे हैं मनुष्य, और फिर भी वो इस प्रकार से व्यवहार करता है, इस प्रकार से धन संचय करता है, इस प्रकार से झगड़ा करता है, इस प्रकार से कोर्ट में झगड़ा करता है, इस प्रकार से धन संचय करता है, मनो कभी मरने वाला नहीं, इस प्रकार से वो अपने वस्तुओं का संचय करता है, मानो कभी मरने वाला नहीं।
यही बड़े सबसे बड़े आश्चर्य हो सके। तो यह मानो स्वामी विवेकानंद की बात, नन इज बेटर बट टू बी कंपेयर्ड विद द लॉन्ग एंड टू गिव अप एवरीथिंग। ऐसा व्यक्ति एक भी नहीं है जो एक बार सबको क्या न करेगा, वो है रिस्ट्रिक्शन। तो त्यागी और नहीं त्यागी संसारी दोनों में भेद क्या हुआ है? दोनों को क्या किया और दोनों संपूर्ण त्याग करते हैं। यही है कि जो त्यागी है वो समझ करके थोड़ा सा पहले त्याग कर लेता है, वो है वॉलेंटरी त्याग, और बाकी लोग कंपल्सरी त्याग। इतना ही फर्क है। और फर्क क्या है? त्याग तो दोनों कर रहे हैं और संपूर्ण त्याग कर रहे हैं, सब कुछ का त्याग कर रहे हैं। फर्क क्या हुआ? एक वॉलेंटरी त्याग कर रहा है, छोड़ करके आया, संसार छोड़ के आया, संसार परिवार जन को छोड़ के आया, बंदौर छोड़ के आया, भगवान की सेवा में लगा, तो बहुत बड़ा त्यागी कहलाता है, बहुत उसको क्रेडिट दिया जाता है, आप कितने बड़े त्यागी। दूसरे उनको काम चलता है, अरे वो भी तो सबको त्याग कर रहे हैं। यही है कि वॉलेंटियर नहीं करते, उनके पास से ले लिया जाता है, इतना ही फर्क है। और उसमें दुख होता है, हम चाहते नहीं है छोड़ना, तो मृत्यु के समय छोड़ना पड़ता है। कितने लोग रोते रोते जाते हैं, ये तो अपने नजर के सामने देखा। ये जो मृत्यु क्या वस्तु होती है, हमारे यहाँ बेहू मठ में रामकृष्ण मठ मिशन में कोई भी यदि ज्वाइन करता है सन्यासी बनने के लिए, तो पहले 9 साल का ट्रेनिंग होता है। 9 साल के ब्रह्मचर्य के बाद पहले प्री प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, फिर 4 साल का ब्रह्मचर्य, जिसमें 2 साल का ट्रेनिंग लेना पड़ता है बेहू मठ में, उसके बाद फिर और 4 साल, और 9 साल ऐसा हो गए तब तक सफेद उपकर करना पड़ता, फिर उसके बाद सन्यास दीक्षा होती है। तो ये जो पहले 9 साल की ट्रेनिंग, उसमें से 2 साल की ट्रेनिंग बेहू मठ में हमारा ट्रेनिंग तो वहां लेनी पड़ती। तो वहां हम लोगों को जो ट्रेनिंग समय जब जाते हैं, तो वहां ट्रेनिंग में क्या मिलता है? सभी शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, केवल हमारे भारतीय शास्त्र नहीं, दूसरे धर्मों का भी कंपेरेटिव रिलीजन भी पढ़ना पड़ता है। और केवल धर्म नहीं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सभी भाषाओं को भी पढ़ना पड़ता है। फिर और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती, फिर और भी ज्ञान के संबंध में, साधना के संबंध में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती। और उसके ऊपर एग्जामिनेशन जो होती है, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें उस पर परीक्षा होती है, रामचंद्र देव की पुस्तक उस पर परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन होती है, फिर प्रैक्टिकल, उसकी प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, और फिर इस प्रकार से रूटीन होता है, सबको कुछ कुछ काम भी दिया जाता है। तो जैसे इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 साल का, उसी समय कुछ कुछ काम भी होता है, सब लोगों को काम भी दिया जाता है, क्योंकि वहां काम कौन करेगा? इतने सारे बड़ा बेलूमट है तो काम कौन करेगा? नौकर कितने लोग रख सकते हैं? तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर में ये ब्रह्मचारी लोगों को काम दे देते हैं, उसे डबल फायदा हो गया। काम करने वाले भी कम हो, इनको प्रैक्टिकल लिया, नॉलेज मिल गया, मंदिर की सफाई कैसे करें, अपने हाथ से सफाई करना, जाली की फूल लगे तो कैसे सफाई करना, और फूल कैसे सजाना, सब कुछ, मंदिर का काम हो, ऑफिस का काम हो, जो कुछ भी काम हो, सबको काम का उनको ट्रेनिंग भी मिल जाती है। उसी का एक हाल है कि हमारे उधर बेलू मठ में, अब बेलू मठ में सन्यासी लोग भी तो मरते हैं, सन्यासी लोग भले एक बार त्याग कर लिए संपूर्ण त्याग, पर फिर और एक कुछ तो त्याग बाकी रहेगा देह का, वो भी एक बार त्याग होता है, सन्यासी लोग भी मरते हैं। तो हमारे एक गाड़ी है, उसका नाम है बरगट ले जाने वाली गाड़ी है, वैन है, वो एकदम खराब से खराब वैन, आप कल्पना करें ऐसी खराब से खराब, न तो उसे एम्बुलेंस बोल सकते, न स्कूल बोल सकते, बहुत पुरानी गाड़ी, वो उसका काम ही है ये मुर्दों को ले जाना। तो जैसे कोई स्वामी जी गए, उनका ध्यान हुआ, तो बस वो गाड़ी में लेकर के जाते हम लोग वहां पर। तो उस समय जब हम ट्रेनिंग सेंटर में थे, उस समय ऐसा था नियम, अभी तो नियम बदल गया, अभी तो कोई भी सन्यासी यदि उसका ध्यान होता है तो वहीं बेलू मठ में आपने देखा होगा, वहां प्रेसिडेंट महाराज के क्वार्टर के पास में एक वहां पर समाधि स्थल है, जहां पर कि रामकृष्ण देव के अधिकांश सन्यासियों को स्वामी विवेकानंद के देह का जहां अभी संस्कार किया गया था, उसके बाजू में मां शारदा का जहां मंदिर, वहां मां शारदा के देह का संस्कार किया गया था, स्वामी ब्रह्मानंद जी का मंदिर, वहां स्वामी ब्रह्मानंद जी का देह का भी संस्कार किया था, स्वामी विवेकानंद का जहां मंदिर, वहां स्वामी विवेकानंद के देह का भी संस्कार किया गया था, और एक समाधि स्थल है, उसमें बाकी के
श्री रामकृष्ण के कई सन्यासी शिष्यों का वहां पर अंतिम संस्कार है और उसके पास में जो जगह है गंगा के किनारे वहां पर जो भी सन्यासी उनका देहांत होता है तो वही अपना संस्कार होता है। ये प्रोसेस ही है। परसों ही एक सन्यासी दो दिन पहले ही उनका देहांत हुआ, दो या तीन दिन पहले, तो तीन दिन पहले उनका देहांत हुआ तो उनके रात को उनको देख लाया 9 बजे वहां पर अग्नि संस्कार। तो ये अग्नि संस्कार का अभी प्रोसेस है वही बना। हम लोगों के समय ऐसा नियम था कि भाई वो जितने सन्यासियों को हम लोग वो मरमट वाली गाड़ी थी उसमें डालते थे उनके देह को, और चैटिंग पार्टी हुआ करती थी वैदिक मंत्रोच्चार। वैदिक मंत्रोच्चार जब भी कोई सन्यासी का देहांत होता है तो वो जब तक ही उसके देहांत का अग्नि संस्कार नहीं हो जाता तब तक वैदिक मंत्रोच्चार, गीता का मंत्रोच्चार, पाठ का मंत्रोच्चार ये होता रहता है। चंपाई चौहान सब लोग करते हैं। तो फिर ये मरमट वाली गाड़ी के में हम लोग ले जाते थे देह और सब ले जाते थे वहां पर। ये वहां पर स्मशान घाट है तो दो स्मशान है वहां, केवड़ा कला घाट और नीम कला घाट। तो ये नीम कला घाट और केवड़ा कला घाट में स्मशान घाट में वहां इलेक्ट्रिक फर्नेस है आजकल बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो कलकत्ता की आपको मालूम है जनसंख्या सबसे अधिक है तो वहां सबने लाइन है, ट्राम में लाइन है, बस में लाइन है, ट्रेन में लाइन है, उन सभी चीजों के लिए लाइन है, गैस के लिए लाइन है, हर एक चीज की लाइन है और अग्नि संस्कार करने के लिए भी लाइन है वहां पर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फर्नेस तो दो ही है और मरने वाले इतने सारे हैं रोज के तो सब वहां पर लाइन लगा रहता। तो हमने और एक बार ऐसा हुआ कि हम जब ट्रेनिंग सेंटर में थे तो तीन स्वामी भी तीन दिन में गए एकदम जिसको बोलते हैं हैट्रिक हो। और हम लोग चैंटिंग पार्टी में थे तो वैदिक चैंटिंग जो पार्टी है उसको तो जाना ही, बाकी लोग जाएंगे कि हमारे कंपल्सरी। तो हम तीन दिन कंटिन्यूसली गए कुछ लोग, हम लोग जो वैदिक चैंटिंग पार्टी में थे वैदिक मंत्रोच्चार करना है तो मरमट वाली गाड़ी में बैठ करके चैंटिंग करते करते गए। उस समय हमने देखा कि सचमुच में यह जो भगवदगीता में बात करी गई है वो कितनी सत्य है। बाद में हम दोहराएंगे जहां कहा गया कि मरते समय जो भगवान का नाम लेते हैं वो मेरे पास आते हैं। यह बात हमने देखा अधिकांश सन्यासी लोग चाहे उनको बात ऐसे देखते व्यवहार में तो बहुत गुस्से वाले और इतने डांटते थे हमको लगता था कैसे स्वामी जी इतना डांटते हैं क्या है इतना क्रोधित करते क्रोध करते। पर उनका उनका जब देखा मरते समय भगवान का नाम लेकर के जा रहे और देखा कि वो जो उनका जो युद्धदेह है चेहरे पर से मानो चेहरा हंस रहा है और इतनी आभा है इतनी ज्योति अधिकांश अधिकांश सन्यासियों के हमने देखा उनके आसपास ज्योति है। मरने के बाद उस युद्धदेह में क्योंकि हम तो युद्धदेह के पास रहते हैं तो एक अद्भुत प्रकार का प्रकाश, एक अद्भुत प्रकार की दिव्य ज्योति, एक अद्भुत प्रकार का वो मानो मुस्कुरा रहे ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि युद्धदेह मानो मुस्कुरा रहे ऐसा लग रहा है अधिकार। मैं बड़े बड़े सन्यासी की बात नहीं बोल रहा हूं, प्रेसिडेंट महाराज वाइस प्रेसिडेंट ऐसे नहीं, ये साधारण सन्यासी की बात बोल रहा हूं। इनका हमने मृतदेह देखा कैसा हुआ मृतदेह पर कैसी झलक और वो भी देखने का मौका मिला। लाइन से मृतदेह रखे थे, हमने कहा कि क्यों थी लंबी, हमारा सातवां टर्न था तो छह मृतदेह का जब हो जाएगा तब हमारा सातवां टर्न। तो हमने कहा नहीं भाई हमको कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए सन्यासी का करना है, जैसा डर मेहनत करेंगे। तो हम 2 घंटा वहां खड़े गए। उस समय हमको नजर से खुद अपनी आंखों से देखने को मिला ये जो मृतदेह लेते उस मृतदेह को देख करके इतना दुख उनके चेहरे पर है, इतना दुख। दुख किस चीज को बोल सकते हैं, चेहरे पर दुख ये हमने नजर से देखा। ऐसे चेहरे पर इतना अधिक दुख है कंपेयर हमने किया। ये जिन्होंने त्याग कर दिया वॉलंटरी जिन्होंने त्याग किया था उनको मरते समय कोई गम नहीं है, पहले तो सब छोड़ दिया है आनंद से छोड़ दिया, वो आनंद से जा रहे हैं कितना आनंद उनके चेहरे पर। हाँ हम रामकृष्ण लोग के जा रहे हैं, हम भगवान के पास जा रहे हैं, क्या आनंद है। ये जो देह है इसमें देह के द्वारा जो सब टैक्स देना पड़ता है, कितने प्रकार के रोग है, ये रोग को ये देह को छोड़ करके भगवान के पास जाए, क्या आनंद है।
कोई ये देखा जाए आनंद धाम, बहुत सुंदर गीत है बंगला में, कोई ये दिखाया जाए आनंद धाम, ये गीत वहां गाया जाता है जब भी कोई बुद्ध देखा अग्नि संस्कार किया जाता है कि वह आनंद धाम दिख रहा है, मधुराम कुछ लुटने गए वहां पर, वैकुंठ में गए भगवान के पास गए, इस प्रकार की भावना। तो ये हमें कंपेयर हमको बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ। वो जो चेहरे देखे जो मृतदेह लगे हुए थे लाइन में लगे हुए थे जो संसार में थे, इतनी भयंकर पीड़ा चेहरे पर दिख रही थी, ऐसा विकृत चेहरा, इतना खराब चेहरा अभी भी हमको याद आता है, बाबा रे बाबा, कोई भी मनुष्य को इतना भी दुख हो सकता है, इतना दुखी चेहरा। हम तो लोगों को जानते थे ना, हमको पता है कौन है कौन, पर ये क्यों हुआ? क्योंकि वो त्याग उनका जो हुआ है वो कंपल्सरी त्याग हुआ, वो चाहते नहीं है छोड़ना, आसक्ति है, संसार को छोड़ना नहीं चाहते, पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते, बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते, धर्म को छोड़ना नहीं चाहते, वो मृत्यु आए तो सब छोड़ करके जाना पड़ता है, कितना दुख है, भयंकर दुख, क्यों उसके लिए तैयार नहीं हुआ और ऐसी भयंकर पीड़ा उनके चेहरे पर, क्योंकि अपने मन को तैयार नहीं किया। पर जो सच्चे साधक हैं वो अपने मन को तैयार करते हैं, एक दिन जाना पड़ेगा, वो एक दिन परम यात्रा में जाना पड़ेगा। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु न हो, आज तक नहीं हुआ। चाहे बड़े बड़े राजा महाराजा आ गए, बड़े बड़े सन्यासी साधु आ गए, बड़े बड़े ज्ञानी आ गए, कितने लोग आए, तो जिसने यह देह धारण किया उस देह को तो छोड़ना ही पड़ेगा, देह कभी भी अमर नहीं हो सकती। और यह देह तो मानव कपड़ा है, वातांत जीर्णा की यथा भी आय नवान जीर्णा की नरोपराणी तथा शरीराणी भी आय जीर्णानी अन्यानी तैयार की दवाने देवी, द्वितीय अध्याय हम लोगों ने देखा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह तो मनुष्य तो जो है देह है मनुष्य का कपड़ा है, तो मृत्यु क्या है, उसने कपड़ा उतार दिया, उससे आनंद होना चाहिए। यदि कोई पुराना कपड़ा हो गया और उसको उतारते हैं और नया कपड़ा, आपको तो नई फैशन की डिजाइन, नई डिजाइन का नया फैशन का कपड़ा पहनने की फैशन है, नया फैशन का कपड़ा, नई डिजाइन का कपड़ा मिलने तो लोग कितने खुश होते हैं कि भाई पुराना कपड़ा फेंक दिया, बहुत आनंद होना चाहिए। वातांत जीर्णा ने यथा विहार, जिस प्रकार से एक मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक देता है, त्याग देता है, उसी प्रकार से यह जो मनुष्य है उस शरीर को त्याग देता है, तो आनंद होना चाहिए कि भाई ये पुराना शरीर हो गया था, इतने उसमें पंक्चर किए गए, इतने इंजेक्शन किए गए, कितना बीपी किया गया, ब्लड प्रेशर किया गया, वो कर दिया, बाईपास हुआ, ये हुआ, हो गया, खत्म, बहुत किया देह पर, अब ये देह में कुछ बचा नहीं, छोड़ो उसको नया देह पड़िया बढ़िया वाला कपड़ा लेंगे, बढ़िया वाला देह लेंगे, अच्छा वाला नया, तो आनंद होना चाहिए, तो नहीं बोल रहा क्यों, बस यही भगवत गीता का संदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को इस प्रकार से, यह जो मनुष्य है ये जब तक कि उसके जीवन में अभ्यास और वैराग्य नहीं आएगा वो मन को नियंत्रित नहीं कर सकेगा। क्यों? मन भटकेगा, आज मुझे कौन सा खाना बनाना है, आज कौन सा ड्रेस पहनना है, आज कौन सी चीज खरीदनी है, आज मॉल में जाकर के क्या शॉपिंग करना है, अच्छा आज कौन सी टीवी सीरियल देखनी है, कितने हजारों लाखों प्रकार की इच्छाएं हमारे मन में, और इन इच्छाओं के कारण हमारा मन भगवान में नहीं लगता, लगेगा काम वो तो भटकने के लिए हजार जगह है, क्यों? वहां आ सकती है। मन कहां लगता है? जहां आसक्ति वहां लग जाता है, जहां आसक्ति है वहां मन लगता है, और ये हमारे आसक्ति के केंद्र बदलते रहते हैं हमारे जीवन में, तो कभी हमारी आसक्ति का केंद्र कोई वस्तु रहती है, कभी कोई मनुष्य रहता है, जो भी होता है जहां मनुष्य, जहां हमारा आसक्ति का केंद्र होगा वहां हमारा मन जाएगा, और इसे भगवान में नहीं जा सकता। जब तक कि वो आसक्ति नहीं छोड़ेंगे तब तक भगवान के प्रति भक्ति असर होगा, जब तक ही वो आसक्ति नहीं छोड़ेंगे तब तक मन को कंट्रोल करना असंभव है। ये माइंड मैनेजमेंट ऐसे नहीं होगा, मैनेजमेंट ऑफ माइंड केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा, तो मैनेजमेंट ऑफ माइंड कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तेरा मन बड़ा चंचल है, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, ये सभी की ही बात,
असंख्य महाभाव बनो देश बदल दूर निकल अभ्यास देना तो पहुंचते ही वैराग्य चली जाती अभ्यास तो वैराग्य के द्वारा ऐसा उपाय भी संभव हो जाता है। उसकी हमने विस्तृत चर्चा की थी अभ्यास और वैराग्य ये दोनों किस प्रकार से महत्वपूर्ण है दोनों एक दिशा कैसे परिपूर्ण थे इसकी भी चर्चा की थी। और तीसरा प्रश्न जो अर्जुन ने कहा था पहला प्रश्न कि इससे फायदा क्या होगा फायदा बता दिया तो बताया कि मैं ये फायदा तो मैं समझ गया परंतु मेरा मन तो बड़ा चंचल है तो कहते हाँ फिर भी चंचल तो है अभ्यास और वैराग्य की तरफ सबको खुल जाएगा। तीसरा प्रश्न तो ठीक है आपने कहा मन को नियंत्रण करो अभ्यास वैराग्य के द्वारा मैं प्रोसेस तो शुरू किया आध्यात्मिक साधना शुरू भी किया परंतु यदि बीच में ही पतन हो गया तो क्या होगा अतो नष्ट ततो भ्रष्ट न इधर से न अभी इधर तो कम से कम संसार का तो मजा मिल रहा है ये संसार का मजा छोड़ करके गए और बाद में वहां का मजा भी नहीं मिला बीच में गए विषम के समान न पृथ्वी में रहे न स्वर्ग में रहे विषम के समान तो मेरी दशा नहीं हो जाएगी ये प्रभु मेरी मन में बड़ी चिंता हो रही है मेरा क्या होगा मैं तो अपनी साधना तो शुरू कर दी पर ये पद तो बहुत कठिन है और तब मैं एक बादल जैसे छीन हो जाएगा जैसे छीन सकते तो नहीं हो जाऊंगा तो उसकी क्या गति होगी हे भगवान ऐसा जो साधक जो अंतिम तरफ नहीं पहुंच पाया बीच में उसका पतन हो गया तो उसका क्या होगा तो भगवान से कुछ उसका भी उत्तर देते हैं बिल्कुल चिंता मत कर नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति कार हो चुकी इतना बड़ा आश्वासन है हमने इस पर भी विस्तार से चर्चा की थी कितना बड़ा आश्वासन मानव जाति के लिए अर्जुन याद रखना नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति कार हो चुकी जो कल्याण करने वाला है अच्छा काम करने वाला है दूसरों को उपकार करने वाला है दूसरों की सेवा करने वाला है शुभ काम करने वाला है इसका कभी विनाश नहीं होगा इतना बड़ा आश्वासन ये हमको मानो अच्छे पद पर चलने के लिए एक प्रेरणा का प्रदान प्रेरणा का केंद्र है ये भगवदगीता का संदेश नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति दर्शती हे अर्जुन याद रखना जो कल्याण करने वाले हैं जो साधक हैं जो साधना कर रहे हैं भगवान का रास्ता लिए है शुभ का रास्ता लिया है हिमालय का रास्ता जिससे लिया है जो दूसरों के सेवा का रास्ता लिया है उसका कभी अकल्याण हो नहीं सकता नहीं कल्याण के कश्चित दुर्गति का कश्चित कभी भी नेवा नेवा नहीं कल्याण नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति ताक गच्छति ताक जिसको बोलते हैं जिसको ताक के बहुत सारे प्रकार पिताजी को बोलते हैं दादाजी को बोलते हैं पर जो परम प्रिय है उसको ताक बोलते हैं तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ताक बोलते हे ताक परम प्रिय मित्र याद रख कभी उस कल्याण करने वाले का विनाश नहीं होगा कितना बड़ा आश्वासन कितना बड़ा कमिटमेंट भगवान स्वयं दे रहे हैं इससे बड़ा कमिटमेंट क्या चाहिए हम यदि सच्चे रास्ते पर चले साधना के पथ पर चले बीच में ही पतन हो गया घबराने के बाद तो क्या होगा उसका विस्तार से उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या होगा अच्छा मरने के बाद क्या होगा सुचिनाम श्रीमदाम गेहे योग भ्रष्ट हो भी जाए उसका विनाश कभी नहीं होगा साधना उसने अंतिम बात को बीच में ही छोड़ दी कोई बात नहीं बाद में पवित्र कुल में जन्म लेगा और वहां जहां जो साधना जहां उसने छोड़ी थी वहां से शुरू करेगा नॉट दैट टू स्क्वायर वन ये सांप सीढ़ी का खेल नहीं है सांप सीढ़ी के खेल में ऐसा होता है दाना डाला और फिर यहां से गए ऊपर जहां सांप ने काटा तो फिर बैक टू स्क्वायर वन इतना बैक रिवर्स जर्नी नहीं है जहां से शुरू किया था वहां से आगे बढ़ोगे यदि पतन हो भी गया तो ये बड़ा आश्वासन भगवान श्री कृष्ण देते हैं इसकी ये जो संकीर्ण दो श्लोक हैं किस प्रकार के योगी भगवान श्री कृष्ण को प्यारे हैं इसके बारे में जो चर्चा है आगे की चर्चा अगले विवाद करेंगे आज ही समाप्त ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।